हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। और पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल हमने 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे, तो जो 30 क्वेश्चन था वो था, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था, वो था 1956 की औद्योगिक नीति। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कहलाती है ये, जो कि 1956 में आई थी। इसमें संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना रखी गई थी, जिसके अनुसार औद्योगिकरण में तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के साथ साथ विकास पर भी जोर दिया गया था। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में इनमें से निम्न राष्ट्रसभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन है मारिया फर्नेंडा, बी ऑप्शन है एंड्रेज किस्का, सी ऑप्शन है वोल्कन बोजिकर, डी ऑप्शन है जोसेफ करपा। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका हो जाएगा आंसर वोल्कन बोजिकर। और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, और एक काम और कीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए या चैट जीपीटी कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि हो सकता है अध्यक्ष चेंज हो चुके हों। ठीक है, सॉरी, तो इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। तुर्की के राजनयिक वोल्कर बोजकर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था 2020 में, तो बोजकर को चुना गया था। और 15 सितंबर 2020 से शुरू हो रही महासभा की बैठक, जो कि कोविड-19 के चलते किसी वैश्विक नेता के जुटने की संभावना कम ही थी, तो सभी इन्हें चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल सदस्य देश अगर पूछ लिए जाएं तो 193 है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी 2023 में अध्यक्ष कौन है, नहीं तो कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाली संख्या सकल आबादी का परसेंट कितना है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 14 वर्ष से कम आयु वालों जो बच्चे थे, बच्चे बच्चियां जो भी थे, उनमें सकल आबादी का कितना परसेंट है संख्या में? ए ऑप्शन है 29%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 31%, डी ऑप्शन है 32%। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी सेंसस विस्तार से पढ़ चुके हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना 2021 में भी आरओ के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तभी से 2011 की जनगणना बहुत अच्छे से पढ़ी जा रही है। तो 23 आ चुका है, तो 3 साल में तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है 29%। ओके, 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या कुल आबादी का 29% है। ओके, अगला प्रश्न है, वो भी जनगणना से संबंधित है। 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पर अगर पूछा जाए साक्षरता कितनी है, तो वो है 61.8%। इनके परसेंट भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी सुमेलन में दे दिए जाएं और आपको पूछ लिया जाए कौन सी राज्य की कितने परसेंट साक्षरता है। तो राजस्थान की अगर पूछी जाए तो 66.1% है, झारखंड में पूछी जाए तो 66.4% है, और वही अगर अरुणाचल प्रदेश में पूछ ली जाए तो 65.4% है। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन बताना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सम्मेलन के लिए दिया गया है, इधर राज्य दिए गए हैं और इधर लिंगानुपात दिया गया है।
तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? अगर आपने 2011 की सेंसस पढ़ी है तो आप सभी को पता ही होगा। अगर आपको इनमें से एक क्वेश्चन पता है तो आप उसे टिक कर लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 918 है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 अगर पुरुष हैं तो 918 महिलाएं हैं। तो इस तरह से लिंगानुपात होता है। शेष राज्यों के लिंगानुपात की बात करें, उत्तर प्रदेश की कौन सा सही सुमेलित पूछा है, तो ये गलत सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में आपने अगर पढ़ रखी है 2011 की जनगणना, तो उसमें आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जो मध्य प्रदेश दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 918 जो लिंगा अनुपात है वो मध्य प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश की अगर लिंगा अनुपात की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 902 है। वो मिस्टेक से मैंने बता दिया था, मध्य प्रदेश का बताना था, उत्तर प्रदेश का बता दिया था। राजस्थान की अगर पूछे तो 880 नहीं है और इसका है 888। बिहार में लिंगानुपात जो है वो है 935। और भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत में वाल लिंगानुपात, और एक बार और क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर बाल लिंगानुपात पूछा गया है ना कि लिंगानुपात पूछा गया। तो बाल लिंगानुपात अगर पूछ लिया है भारत में तो वो है 919। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है। ए ऑप्शन है भूमंडलीय हेक्टर, बी ऑप्शन है नैनोमीटर, सी ऑप्शन है हॉपस क्यूबिक फुट और डी ऑप्शन है क्यूबिक टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टर होती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यह पदछाप मतलब पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापअप होता है जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रीन मफलर कई बार पूछा गया है, तो ग्रीन मफलर किस लिए होता है? ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है मृदा, डी ऑप्शन है ध्वनि और शोर। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते ही होंगे अगर आपने पढ़ रखा है, तो ध्वनि शोर से संबंधित होता है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण जैसे क्षेत्र, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है, ताकि घने घने पेड़ ध्वनि के प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और मनुष्य को होने वाली हानि से बचाते हैं। अब आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अगर आप किसी हाईवे पर जाएंगे तो बीच में डिवाइडर पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, तो जो वो वृक्ष लगे होते हैं वो ग्रीन मफलर का कार्य करते हैं, तो यही काम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ एक संक्षिप्त कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? ए ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है चंद्रताल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। गोवा का चोराव द्वीप पूर्णतः संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। गोवा में 178 हेक्टेयर में विस्तृत कक्ष वनस्पति क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कक्ष वनस्पति जिसे मैंग्रोव उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं तथा तीव्र लहरों के तट की रक्षा करते हैं। 2019 की वन स्थिति की रिपोर्ट की माने तो भारत में
4975 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ लिया जाए कि भारत में कितने वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो 4975 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ए ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, सी बी ऑप्शन है आईआईटी नई दिल्ली, सी ऑप्शन है आईआईपीएस मुंबई और डी ऑप्शन है एनआईआरएस देहरादून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। एनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र आईआईटी मुंबई में स्थापित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्यावरण का सुधार बहुत आवश्यक है। इसी तरह जरूरत पूरा करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय 1983 में इसी तरह की जो पर्यावरणीय सूचना प्रणाली है उसको पर्यावरण संबंधी जानकारी संग्रह, कोलेशन, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और विभिन्न प्रयोगिताओं के प्रसार के व्यापक नेटवर्क के रूप में एक योजना कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? ए ऑप्शन है तट से 3 समुद्री मील तक, बी ऑप्शन है तट से 6 समुद्री मील तक, सी ऑप्शन है तट से 12 समुद्री मील तक और डी ऑप्शन है तट से 24 समुद्री मील तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत का प्रादेशिक जल का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील 1 समुद्री मील 1.8 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के नाम है? ए ऑप्शन है कोरोमंडल, बी ऑप्शन है मालाबार, सी ऑप्शन है उत्तरी सरकार, डी ऑप्शन है कोंकण। तो तमिलनाडु व उत्तर आंध्र प्रदेश के तट का नाम होता है कोरोमंडल। पूर्वी समुद्री तट के विस्तृत मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है उत्तरी सरकार किसे कहते हैं, तो जो पूर्वी समुद्र तट के विस्तृत मैदान होते हैं उन्हें उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला हुआ है संयुक्त रूप से कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसमें 3 भाग आते हैं, उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के अधिकांश भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, केवल मालाबार तट से वर्षा की अनिश्चितता रहती है। मंगलम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिले में नहरों द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि संचित होती है। इसके अतिरिक्त परिम्बकुलम अलियार योजना केरल तमिलनाडु राज्यों का संयुक्त प्रयास है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा तो पर्याप्त होती है किंतु ग्रीष्मकालीन वर्षा की कमी के कारण सिंचाई की आवश्यकता अनुभव की जाती है। यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में मेट्टूर बांध की नहरें, पेरियार योजना, कावेरी डेल्टा की नहरें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेल नहीं है? ए ऑप्शन है फिजी सोवा, फिनलैंड ओस्लो, गुआना जॉर्जटाउन, लेबनान बैरूत। तो इसका जो राजधानी दी गई है तो वो सही है या नहीं तो वो आपको बताना है, सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है ना कि फिनलैंड की। फिजी की राजधानी शुबा होती है, फिनलैंड की होती है हेल्सिंकी, इस तरह से लिख सकते हैं, और गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन होती है, लेबनान की ओस्लो, लेबनान की बैरूत होती है राजधानी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? ए ऑप्शन है क्रिटेशियस युग, बी ऑप्शन है प्लायोसीन युग, सी ऑप्शन है प्लीस्टोसीन युग, डी ऑप्शन है टर्शियरी युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। प्लीस्टोसीन युग लगभग 20 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक तापमान का स्तर इतना नीचे आ गया कि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका बर्फ की एक मोटी चादर से ढक गई। इसलिए इस चरण को हिमयुग की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा। तो सर्वाधिक जो लवणता है वो मृत सागर में पाई जाती है, और इसमें लवणता की अगर बात करें तो 238% लवणता यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है ये ऑप्शन एक खड, बी ऑप्शन है एक बड़ा तोप, सी ऑप्शन है एक नदी और डी ऑप्शन है एक पुराना तोप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक खड। अमेरिकी महाद्वीप में स्थित ग्रैंड कैनियन एक खड है। अमेरिका में कोलोराडो नदी पर गहरे कैनियन का निर्माण होता है। यह गहरी और संकीर्ण चट्टानी नदी होती है जिसके पार्श्व खड़े ढाल के दो खड तथा गार्ज कहलाती है। वर्षा की कमी गंभीर खड की दीवारों के आच्छादन को रोकती है और इस प्रकार उनकी प्रवणता स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 जून, बी ऑप्शन है 18 जून, सी ऑप्शन है 20 जून, डी ऑप्शन है 24 जून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14 जून। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित 14 जून को हर वर्ष रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में रक्तदान की कमी को पूरा करना है। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया था। विश्व रक्तदान दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया? 2004 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग से संबंधित है कि निम्न आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों को, जो त्रिभुज दिया गया है वो डॉक्टर को संबोधित करता है, वृत्त जो गोला दिया गया है वो खिलाड़ियों को, और आयत सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त आरेख के आधार पर कितने सरकारी कर्मचारी खिलाड़ी भी हैं? तो इसका जो देख लेते हैं कि इसमें सरकारी कर्मचारी कितने, 37 हैं इधर आरेख में, आयत जो है सरकारी कर्मचारियों का है और खिलाड़ी जो है वो है वृत्त में। तो खिलाड़ी कितने हैं यहाँ पर? 21, 8, 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 6 व्यक्ति डॉक्टर हैं और 6 खिलाड़ी व सरकारी कर्मचारी तीनों हैं। तो जबकि 19 व्यक्ति केवल खिलाड़ी और सरकारी कर्मचारी हैं, तो 19 और 6 अगर आप प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 व्यक्ति। तो 25 व्यक्ति आपके कर्मचारी और खिलाड़ी भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से संबंधित है। यहाँ पर R का अर्थ प्लस बताया गया है, S का अर्थ इंटू बताया गया है, T का अर्थ डिवाइड बताया गया है, और U का अर्थ जो है माइनस बताया गया है, और ये कुछ संख्या दी गई है। तो इसको आप सही से लिख लेते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4R मतलब 4 प्लस 5, S का मतलब इंटू 3, और T मतलब -7 बराबर 4 प्लस 15 -7। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। तो फिर आ जाएगा 19 -7, आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अगर आपको इसको बहुत विस्तार से करना है तो आप बोर्ड मास के प्रयोग से कर सकते हैं। बोर्ड मास लगाएंगे, अगर बोर्ड मास का आप लोग सब लोग नियम जानते ही होंगे। इस तरह से बोर्ड मास लिख लीजिएगा और जैसी जैसी संख्या आए उस तरह से आप डिवाइड करते जाइएगा। 4 प्लस 5 इंटू 3 -7 बराबर 4 प्लस
15 माइनस 7, तो फिर आपका जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो इस तरह आ जाएगा 19 माइनस 7, तो आ जाएगा आपका आंसर 12। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्र शाला स्थित है? ए ऑप्शन है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है लखनऊ, डी सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है रामपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन रामपुर। निम्न में से उत्तर प्रदेश के रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्र शाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ए ऑप्शन है इलाहाबाद में, बी ऑप्शन है वाराणसी में, सी ऑप्शन है आगरा में, डी ऑप्शन है लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इलाहाबाद में। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम इलाहाबाद में स्थित है। 1985 से 86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर बात की जाए, जो कि 49 क्वेश्चन था, तो भारत का प्रथम नक्षत्रशाला है जो लेजर तकनीक पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित रामपुर नक्षत्रशाला का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अगर पूछ ली जाए तो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सूरज कुंड पार्क में स्थित है। गोरखपुर नक्षत्रशाला का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है? तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब